सामान के पैसे मांगने दुकानदार को पड़ा महंगा। चार बुलेरो सवार युवकों ने दुकानदार और उसके बेटे को लाठियों और सरियों से पीटा। खबर बेड़ा थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां धोरिया रोड पर एक दुकानदार के साथ कुछ दबंगों ने मारपीट कर दी। यहां दुकानदार संचालक और उसके बेटे के साथ सामान के पैसे मांगने को लेकर हुए विवाद के बीच 5-6 लोगों ने एक राय होकर तीनों के साथ जमकर मारपीट कर दी, जिसमें दुकानदार बुरी तरीके से घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार मातादीन गुप्ता उम्र 40 साल निवासी ग्राम खरई ने बताया कि वह शाम करीब 7:30 बजे धोरिया रोड पर स्थित अपनी किराने की दुकान पर बैठा हुआ था। तभी मातादीन के बेटे अमन गुप्ता उसे दुकान से घर लेने अपनी स्कूटी से जा रहा था। इसी बीच फोर व्हीलर बुलेरो से आए कुछ युवकों ने दुकान से सामान खरीदा और पैसे मांगने पर विवाद हो गया। दुकानदार के साथ गाली गलौज करने लगे। इसके बाद गाड़ी के अंदर से 4 से 5 लोगों ने लाठियों और सरियों से दोनों की मारपीट कर दी, जिसके बाद दोनों को घायल अवस्था में बेराड़ अस्पताल लाया गया, जहां मेडिकल उपचार के बाद बेराड़ थाने पर पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। फरियादी ने बताया कि सड़ और भीमलाट के रहने वाले आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया है। आरोपियों के नाम मुलायम यादव, भीमलाट बैजनासड़, महेश घोपन का पूरा गसवानी सहित 3 अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पहले 2 लोग मेरी दुकान पे आए थे, तो बोले थे सामान उधार दे दो। मैं यार भाई उधार तो मैं नहीं देता। आगे थे वो, उसमें कोई एक तो मुलायम कह रहा था भीमलाट का, और एक सड़क का लड़का था बैजनाथ, और एक लड़का और था उसका नाम क्या था, ये लड़कों ने क्या कहा, ये एक लड़का का नाम और बैजनाथ कंसू और एक महेश गोपन का पूरा। कितने लोग थे वो? जब 3 लड़के तो मतलब आपस में नाम ले रहे थे, और 2-3 लड़के और थे, लेकिन उनकी मुझे नाम की जानकारी नहीं है। किस बात का विवाद हुआ? दुकान पे मेरी भी आए थे, दुकान पे बोले कि सामान दे दो भाई, सामान दे गए, उधार देना पड़ेगा भाई, मेरे उधार तो मैं नहीं देता। उधार न देने के कारण वे गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज करने के लिए मैंने मना किया, मैं भाई गलत बिजनेस क्यों कर रहे हो, मुझे नहीं देना उधार। इतने मेरे आता भाई भी आ गए, आता भाई भी मैंने बीच बचाव भी किया, फिर वो नहीं माने। उनने फिर लड़क जबादाई चालू कर दी, उनने फिर रोड में कुछ बहुत आया था, उससे मेरे बाला का छोटा बाला उसको गंभीर चोट आई है, मेरे को भी चोट आई है, और मेरे गले में से पैसे हो सकता है, क्योंकि वो ले गए या ना ले गए मैं कह नहीं सकता।